बहुत सारे लोग वेबसाइट तो बना लेते हैं लेकिन एक बढ़िया सा डिज़ाइन वो अपनी वेबसाइट पर नहीं ला पाते हैं, एक अच्छा सा कस्टमाइजेशन नहीं कर पाते हैं। अगर आप यहाँ पे जनरेट प्रेस यूज कर रहे हो तो आज मैं आपको जनरेट प्रेस थीम का कस्टमाइजेशन बताने वाला हूँ और प्रॉपर यहाँ पे मैं काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बना के आपको दिखाऊंगा। और बेसिकली मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार का CSS कोड यूज नहीं करने वाला हूँ। इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम ये होती है कि थोड़ी आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड जो है वह कम हो जाती है। इसके लिए मैं यहाँ पे कोई भी CSS कोड नहीं यूज करूंगा, यहाँ पे बेसिक यहाँ पे कस्टमाइजेशन बताऊंगा कि कैसे एक प्रोफेशनल आप डिज़ाइन बना सकते हो जनरेट प्रेस का यूज करके। बहुत से लोग यहाँ पे और डिज़ाइन नहीं कर पाते हैं जनरेट प्रेस को, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते रहिए। मैं आपको पूरा यहाँ पे डिज़ाइन करके बताऊंगा कैसे आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, मेनू वगैरह बना सकते हो, फुटर वगैरह कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। पूरा यहाँ पे बेसिकली ये जनरेट प्रेस थीम का यहाँ पे पूरा कस्टमाइजेशन होने वाला है। सो वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप एक अच्छा डिज़ाइन नहीं बनाते हो तो आपको यहाँ पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है, नेविगेशन इरर आ जाता है जिसकी वजह से आपका एडसेंस रिजेक्ट हो जाता है, और साथ ही साथ आपका जो कंटेंट है वो लेआउट है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से यूज़र जब आपकी वेबसाइट पे आते हैं तो वो एग्जिट कर जाते हैं, आपका बाउंस रेट बढ़ा हुआ रहता है। तो इन सभी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम एक अच्छा सा कस्टमाइजेशन करते हैं। सो चलिए देखते हैं कैसे आप जनरेट प्रेस थीम का कस्टमाइजेशन कर सकते हो। वीडियो को कंप्लीट देखना, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी लेकिन आप एक प्रोफेशनल डिज़ाइन अपने वेबसाइट को एक प्रोफेशनल लुक दे पाओगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ब्लॉगिंग SEO मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जो भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, अभी मैं देख सकते हैं ये साइट है justsportlive.com और इसका लेआउट देख सकते हैं, डिज़ाइन देख सकते हैं। इसमें जनरेट प्रेस थीम मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो ये एकदम भद्दा सा लेआउट है, कोई भी इसमें कोई भी फैंसी चीज़ें हैं नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा है। और आपको वर्डप्रेस लॉगिन कर लेना है। देखिए वर्डप्रेस लॉगिन कर लेंगे तभी तो आप कस्टमाइजेशन करेंगे जनरेट प्रेस थीम का। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जनरेट प्रेस थीम यहाँ पे देखिए, ये bloggingskills.com जो साइट है, बहुत से लोग कहते हैं इसकी डिज़ाइन आप बताओ, तो देखो ये जनरेट प्रेस पे थीम ये वेबसाइट जो है बिल्ड है लेकिन इसमें एलिमेंटर का यूज करके होम पेज बनाया गया है। तो अगर एलिमेंटर का आप ये वीडियो पूरा देखना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, इसकी भी डिज़ाइन पूरा मैं आपको कस्टमाइज करके बताऊंगा। और बाकी इसमें जो सारे लेआउट हैं वो जनरेट प्रेस पर ही मतलब बनाए गए हैं। तो देखो सबसे पहले जनरेट प्रेस चाहिए आपको, तो जनरेट प्रेस देखो यार आपको लेना होगा, जनरेट प्रेस प्रीमियम लेना होगा तभी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो अच्छा सा। अगर जनरेट प्रेस प्रीमियम नहीं ले रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शॉप बटन है, यहाँ से आप जनरेट प्रेस के लिए जाके देख सकते हो। हमारी टीम देखो लाइसेंस की किसी के साथ शेयर नहीं करती है और यहाँ पे लाइसेंस की और थीम जो इंस्टॉलेशन होता है परचेज करने के बाद वो हमारी टीम ही एक्टिवेट करती है, ठीक है, क्योंकि एक डोमेन के लिए हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और लाइसेंस की अगर हम आपको देंगे तो आप मल्टीपल बहुत सारे जगह पे यूज कर सकते हो, तो इसकी वजह से हम लाइसेंस की शेयर नहीं करते हैं और लाइसेंस की हमारी टीम द्वारा ही एक्टिवेट किया जाता है। तो अभी देखो यार हम कस्टमाइजेशन करने वाले हैं जनरेट प्रेस थीम का। सबसे पहले देखो अपीयरेंस में जाना है, थीम्स में जाना है, और अपीयरेंस थीम्स में जाने के बाद देखो ये जनरेट प्रेस आपके वेबसाइट पर एक्टिवेटेड होना चाहिए, ये जो फ्री वर्जन वाला है। तो फ्री वाला देखिए इंस्टॉल है, उसके बाद आपको प्लगइन सेक्शन में जाना है और यहाँ पे जनरेट प्रेस प्रीमियम आपको यहाँ पे जैसे देख सकते हैं GP प्रीमियम यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे आपका इंस्टॉल होना चाहिए। देखो अगर आप यहाँ से लेते हो ना bloggingskill.com से तो आपका यहाँ पे लाइसेंस की के साथ एक्टिवेशन होता है और आपको लाइफ टाइम यहाँ पे नहीं आपको अपडेट मिलेगा, आपको एक साल के लिए अपडेट मिलेगा क्योंकि यहाँ पे एक साल के लिए आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और एक साल बाद आप रिन्यूअल भी कर सकते हो। तो उसमें आप लेटेस्ट वर्जन आपको मिलेगा और हमेशा जब भी अपडेट आएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको वर्डप्रेस के अंदर ही अपडेट मिलेगा और ये 100% ओरिजिनल थीम है। तो देखो जनरेट प्रेस मेरे में इंस्टॉल है, ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है, अब हम यहाँ पे अपीयरेंस में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए जनरेट प्रेस दिख रहा है। जनरेट प्रेस आप इंस्टॉल जब कर लेते हो और एक्टिवेट कर लेते हो प्रीमियम वाला, वो देखो प्लगइन सेक्शन में इंस्टॉल होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो लाइसेंस की यहाँ पे आपका एक्टिवेटेड रहेगा, अगर यहाँ पे लाइसेंस की एक्टिवेटेड नहीं है, ऐसे खाली है, ब्लैंक है, नॉट रिसीविंग प्रीमियम अपडेट्स दिख रहा है, तो आप समझ जाओ कि आपने प्लगइन तो इंस्टॉल कर लिया लेकिन लाइसेंस की यहाँ पे एक्टिवेटेड नहीं है।
तो लाइसेंस के बिना भी ये काम करेगा, लेकिन आपको अपडेट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, देखो आपने जनरेट प्रेस फ्री वर्जन वाला थीम इंस्टॉल कर लिया और यहाँ पे प्लगइन आपने प्रीमियम खरीद के यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आएंगे तो साइट लाइब्रेरी दिखेगी। इस साइट लाइब्रेरी को केवल आपको एक्टिवेट कर देना है और इस साइट लाइब्रेरी को देखो एक्टिवेट कर दोगे तो यहाँ पे देखो एक्टिवेट हो जाएगा और जस्ट आपको एक बार रिफ्रेश कर लेना है। जब आप रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे देखो आपको साइट लाइब्रेरी दिखेगी। इस साइट लाइब्रेरी पे आपको क्लिक करना है और आपको बहुत सारे पहले से ही प्री बिल्ड यहाँ पे थीम का डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एलिगेंट है, सेफ व्हील्स है और इसमें बहुत सारे नए नए डिज़ाइन आ गए हैं अभी, ठीक है। तो डिज़ाइन आ गए हैं लेकिन मैक्सिमम लोगों को क्या पसंद आता है, उन्हें पसंद आता है मार्केटर, क्योंकि इसका लेआउट अच्छा है और इसमें देखो एक एडसेंस फ्रेंडली ब्लॉग अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको मार्केटर यूज करना चाहिए और बिना सीएसएस के आपको ये यूज करना चाहिए, उससे ज़्यादा अच्छा रहता है। देखो अब इसे हमें करना क्या है, मार्केटर को मैं सिलेक्ट करूँगा, गेट स्टार्टेड। यहाँ पे देखिए कुछ डिज़ाइन आपका कुछ इस तरह का आएगा अगर आप इसे यूज करेंगे, और इसे अभी मैं कस्टमाइज़ करना भी बताऊँगा। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, देखिए गैदरिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गया। अब देखो अगर आपके साइट पे पहले से बहुत सारा कंटेंट है तो इसमें इंपोर्ट डेमो कंटेंट को आपको इस तरह से डिसेबल कर देना है और उसके बाद आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है। अगर आपके साइट पे कंटेंट नहीं है, आप डिज़ाइन देखना चाहते हो कैसा आएगा और आप बाद में उस कंटेंट को डिलीट कर लोगे तो यहाँ पे ये डेमो कंटेंट को भी इंपोर्ट कर सकते हो। आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करते हैं और बिगिन इंपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो बिगिन इंपोर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें रहेंगी वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगी और इसे इंस्टॉल होने देते हैं, एक्टिवेट होने देते हैं। थोड़ा सा ये समय लेता है और जैसे ही ये काम हो जाएगा और आप देख सकते हो डिज़ाइन आपका काफ़ी अच्छा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा बस वेट करते हैं। कंटेंट इंपोर्टेड, इंपोर्टिंग साइट इंपोर्टेड, यानी कि सारी चीज़ें अभी देखो यहाँ पे हो रही, जो भी प्रोसेस हो रही है वो दिख रही है। अब देखो इंपोर्ट कंप्लीट हो गया, अब व्यू साइट पे हम एक बार क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे व्यू साइट पे क्लिक किया, अब देखिए हमारी जो साइट की डिज़ाइन है कुछ इस तरह से आ गई है ना, ये काफ़ी हद तक अभी अब हमारी वेबसाइट की डिज़ाइन सुधर चुकी है। अब देखो अब ये साइट की डिज़ाइन ऐसी हो गई है, अब इसे हम कस्टमाइज करेंगे ताकि और भी अच्छा लगे। तो इसे हम कट करते हैं और यहाँ पे नो थैंक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे अब आपको कस्टमाइज, देखिए अपीयरेंस के अंदर थीम्स के नीचे कस्टमाइज बटन है, कस्टमाइज के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद अब हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे। जैसे कि इसमें देखिए ये ब्लैक कलर का मेनू है, मेनू का बैकग्राउंड जो है ब्लैक है। अब हम चाहते हैं ये ब्लैक ना रहे, ये रेड रहे। अभी आपको जाना है यहाँ पे देखिए कलर्स में, कलर्स में जाइए और कलर्स में जाने के बाद यहाँ पे देखिए बॉडी, टॉप बार, हेडर, प्राइमरी नेविगेशन। तो हमारा ये प्राइमरी नेविगेशन है तो प्राइमरी नेविगेशन पे क्लिक करेंगे और देखिए नेविगेशन बैकग्राउंड जो है ये देखिए ये ब्लैक कलर दिख रहा है। तो हम यहाँ पे ब्लैक ना रख के यहाँ पे हम रखेंगे ये कलर, ठीक है, ये कलर हम रखने वाले हैं जो हमारे bloggingskill.com का कलर कोड है वो हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो देखिए ये बैकग्राउंड कलर हट गया, अब ग्रीन हो गया, ये काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है। अब देखो बॉडी का कलर आप क्या रखना चाहते हो, तो मैं बॉडी का जो कलर है वो टेक्स्ट और लिंक कलर क्या रखना चाहते हो, तो टेक्स्ट का हम ब्लैक ही रखेंगे लेकिन लिंक कलर जो है ये ब्लू ना रख के हम यहाँ पे अपना जो मेरा कलर है वो रखूँगा, जैसे ठीक है ये मेरे साइट का जो कलर है वो रखूँगा। अभी देखो ये कुछ हद तक काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे लिंक वगैरह जो रहेगा वो इस कलर में दिखेगा। अब इसे हम पब्लिश कर देते हैं, ये देखिए पब्लिश हो गया। अब अपनी साइट को हम आके रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए ग्रीन हो गया और ये काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है। अभी देखो अब आपको क्या करना है इसमें कस्टमाइजेशन में, अभी इसमें हम नीचे फुटर यहाँ पे सेट करेंगे। देखिए ये जनरेट प्रेस आ रहा है, इसे कैसे हटाएंगे, इसे हटाने के लिए हम एक बार बैक करते हैं, इसे क्लोज करते हैं। देखो इसे हटाने के लिए आपके पास प्रीमियम होना चाहिए तभी हो पाएगा। फुटर में इसका यहाँ पे देखिए बिल्ट विद जनरेट प्रेस आ रहा है, इसे चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। उसे चेंज करने के लिए आपको जाना होगा एलिमेंट्स में, अपीयरेंस के अंदर एलिमेंट्स का ऑप्शन दिखेगा, एलिमेंट्स में आपको जाना है और यहाँ पर साइड फुटर दिखेगा
अब साइड फुटर को एडिट बटन पे क्लिक करिए, एडिट करेंगे यहाँ से वो आप एडिट कर सकते हो एलिमेंट्स के अंदर से, ठीक है। अब देखो ये आ गया यहाँ पे बिल्ट विद जनरेट प्रेस, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसे हम क्लोज करते हैं, यहाँ पे इसे क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं justspotlight.com, ठीक है, जस्ट स्पोर्ट लाइव लिख देते हैं। तो जो भी आप लिखना चाहते हो वो यहाँ पे आप कर दो और अपडेट बटन पे क्लिक कर दो, और अपडेट करने के बाद जब आप इसे रिफ्रेश करोगे अपनी साइट को, तो यहाँ पे देखो ये फुटर जो है, फुटर का यहाँ पे जो क्रेडिट था वो हट गया, क्योंकि हम प्रीमियम यूज कर रहे हैं तो हटा सकते हैं। तो अब इसे हम बैक कर लेते हैं, और अब आपको क्या करना है, कस्टमाइज में जाना है। कस्टमाइज में जाने के बाद अब देखो यहाँ पे ये तो चेंज हो गया, अब हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे फुटर में नीचे फुटर में तीन तरह के सेक्शन दिखे। अभी देखो आपको क्या करना है, आपको लेआउट में जाना है, फुटर में जाना है, और फुटर में आने के बाद फुटर विजेट कितना आपको चाहिए ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ तीन, मुझे तीन फुटर चाहिए। और यहाँ पे देखो और भी है कि बैक टू टॉप, अब देखो इसे इनेबल करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो ये बटन आ जाएगा बैक टू टॉप, तो ये भी अच्छा है, अगर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहते हो तो इसे डिसेबल कर सकते हो, मैं रखना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखो अब आपको क्या करना है, पब्लिश बटन पे एक बार क्लिक कर देना है। पब्लिश बटन पे जब क्लिक करोगे और इसे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आप देखो क्या आपको मिलता है, देखो बैक टू टॉप बटन मिल जाता है। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो ये रिसेंट पोस्ट आ रहे हैं। अब ये प्रोडक्ट हाईलाइट जो है ना, इसमें आप कुछ भी इमेज वगैरह लगा सकते हो, कोई अपना ऐड लगा सकते हो, तो ये आपके ऊपर जो भी लगाना चाहते हो, तो ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये हमारा विजेट अभी हम बनाने जा रहे हैं, तो बैक करते हैं और यहाँ पे हम विजेट बनाएंगे, एक बार और बैक करते हैं और विजेट पे चलते हैं। और देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ रहा है, तो ये एक बग है वर्ड जनरेट प्रेस का, तीन विजेट करो तो 5 आ जाता है, लेकिन तीन ही हमें अप्लाई करना है। तो फुटर विजेट 1 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे की तरफ हम क्या रखने वाले हैं, प्लस बटन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इमेज लेंगे, इमेज में हमारा लोगो होगा, तो मीडिया लाइब्रेरी में चलते हैं, एक लोगो ले लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ये लोगो आ गया है, अब इसे छोटा बड़ा आप कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, तो इसे हम थोड़ा छोटा करेंगे, ओके। अब इसके नीचे जो है ना हम टेक्स्ट डालेंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए प्लस बटन आ जाएगा, प्लस बटन पे आएंगे और यहाँ पे हम टेक्स्ट पैराग्राफ सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, पैराग्राफ लेंगे और इसके अंदर बेसिकली हम कुछ टेक्स्ट डाल देंगे, जैसे ये देख सकते हैं टेक्स्ट मैंने डाल दिया। और इस टेक्स्ट में देखो बहुत सारे बड़े वर्ड आ रहे हैं, तो ये आप कस्टमाइज कर सकते हो, अभी मैं आगे बताऊंगा कितने छोटा बड़ा कैसे करना है। तो यहाँ पे बेसिकली हम एक बार इंटर प्रेस करते हैं, थोड़ा ये नीचे चला जाए, देखिए अब ये अच्छा लग रहा है, अब हम इसे पब्लिश कर देंगे, तो एक फुटर हमारा सिलेक्ट, मतलब एक फुटर का सेक्शन हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम बैक करेंगे और देखिए फुटर विजेट 2 पे आएंगे। अब इसमें आप जो रखना चाहते हो, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इसमें लिस्ट दे देता हूँ मैं, कुछ भी मतलब पोस्ट का लिंक दे देता हूँ, ठीक है, रीसेंट पोस्ट देखते हैं यहाँ पे, रीसेंट पोस्ट आई थिंक नहीं है, लेटेस्ट कमेंट से लेटेस्ट पोस्ट है, ठीक है, लेटेस्ट पोस्ट हम यहाँ पे चाहते हैं दिखे। तो देखिए ये तीन पोस्ट हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये तीन पोस्ट दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें अभी इसका हेडिंग भी बनाना है, तो हम यहाँ पे पैराग्राफ नहीं हेडिंग लेंगे, यहाँ पे हेडिंग में आप यहाँ पे रख देते हैं लेटेस्ट पोस्ट, आप जो रखना चाहते हो, ट्रेंडिंग रखना चाहते हो ट्रेंडिंग रखो, लेटेस्ट रखना चाहते हो लेटेस्ट रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसे हम नीचे कर देते हैं और ये ऊपर रहेगा, और लेटेस्ट पोस्ट को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसका जो है कलर वगैरह हम चेंज करेंगे, सो मोर सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का जो कलर है वो हम वाइट रख देंगे ताकि ये दिखाई दे, देखिए अब ये दिखाई दे रहा है। अब बैक करते हैं, ओके, और ये लेटेस्ट पोस्ट हमारा इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। और इसे भी ग्रुप में करना चाहो तो ग्रुप में कर सकते हो, यहाँ पे देखो, और सबसे पहले इसे हम डिलीट कर देते हैं और उसके बाद ग्रुप में करेंगे, इसे हम डिलीट कर देते हैं, 3 डॉट पे क्लिक करिए, रिमूव लेटेस्ट पोस्ट, और यहाँ पे देखिए ये वाइट है तो इसलिए दिखेगा नहीं, तो इसे डबल क्लिक करेंगे तब दिखेगा यहाँ पे।
तो इसके अंदर बेसिकली हमें ग्रुप करना है। तो ग्रुप करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आएंगे, ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा, ग्रुप करिए और प्लस बटन पे क्लिक करिए और यहाँ पे लिखिए लेटेस्ट पोस्ट। लेटेस्ट पोस्ट आपका आ जाएगा और देखिए ये लेटेस्ट पोस्ट इस तरह से आ जाएगा। तो हमारा दो यहाँ पे फुटर का सेक्शन हो गया, अब इसे पब्लिश करिए। अब यहाँ पे हम थर्ड अपना यहाँ पे फुटर का सेक्शन ऐड करेंगे, थर्ड विजेट, इसमें हम क्विक लिंक्स रखेंगे। तो हेडिंग में चलते हैं, हेडिंग में हम रख देंगे यहाँ पे क्विक लिंक्स, ठीक है, क्विक लिंक्स रखेंगे और इस पर भी हम डबल क्लिक करके और इसको हम वो कलर जो है शो मोर सेटिंग पे क्लिक करेंगे और कलर जो है इसे वाइट कर लेंगे। वाइट करना ज़रूरी है तभी ये दिखेगा, नहीं तो दिखेगा नहीं। अब यहाँ पे हम आपको क्या करना है, थोड़ा सा इधर करिए और इसमें ग्रुप करिए, ग्रुप करेंगे और प्लस बटन पे क्लिक करके यहाँ पे लिंक्स पे हम क्लिक करेंगे। पेजेस हमें यहाँ पे लगाना है, तो पेज लिस्ट, देखिए यहाँ पे पेज लिस्ट आ गया, हमने पेज लिस्ट यहाँ पे लगा दिया, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पेज लिस्ट आ गया। अब इसे हम पब्लिश कर देते हैं, तो देखिए हमारा फूटर इस तरह से बन जाएगा। अब देखो इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे फूटर आ गया। अब चाहते हैं हम कि हमारा ये जो फूटर है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो बैकग्राउंड कलर हम थोड़ा ब्लैक रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बैक जाना है और यहाँ पर देखिए कलर का ऑप्शन है, कलर के ऑप्शन पर क्लिक करिए और नीचे की तरफ जब आएंगे आप तो देखिए यहाँ पर फूटर विजेट्स का ऑप्शन है, फूटर विजेट्स पर क्लिक करिए और देखिए बैकग्राउंड कलर आप जो रखना चाहते हो वो रख सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक रखना चाहता हूँ, तो देखिए ब्लैक आ गया। अब जैसा रखना चाहोगे वैसा रखना रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ मैं इतना रखना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये पब्लिश हो गया। फुटर बार में जैसे आप जो भी कलर चेंज करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट का कलर है, आप जो टेक्स्ट का कलर रखना चाहते हो वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ब्लैक रखना चाहता हूँ तो ब्लैक हो जाएगा और लिंक कलर आप जो रखना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो, आपके ऊपर है। और बैक टू टॉप जो बटन है ना, इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, ये कलर मैं रखना चाहता हूँ, देखिए ये हमारा जो ब्लॉक का कलर है उस कलर का हो जाएगा। तो इतना करने के बाद आप सिंपली पब्लिश बटन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए ये पब्लिश हो गया और अब हम अपनी साइट को एक बार रिफ्रेश करते हैं। अभी देखिए हमारी साइट का डिज़ाइन कैसा हो गया, देखिए ये यहाँ पे जैसे कोई इस पर क्लिक करेगा ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे देखिए इसमें मेनू है, तो इसमें मेनू में जो भी आप बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। जैसे कि अब इसे क्लोज करते हैं, हम मेनू बना लेते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं। अपीयरेंस में जाना है, आपको मेनू का ऑप्शन दिख जाएगा, मेनू इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर मेन मेनू के अंदर देखिए आपको क्या करना है। अभी देखो मेन मेनू है, जो इसमें आपको जो रखना चाहते हो, जैसे कि मैं रखना चाहता हूँ कैटेगरीज रखना चाहते हो, तो कोई कैटेगरीज नहीं बनी हुई है, तो फिलहाल हम कस्टम लिंक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइट का जो भी आप कैटेगरी बनाओगे ना उसका लिंक आपको डालना है, तो मैं यहाँ पे कोई भी एक टेम्परेरी लिंक डाल देता हूँ और इसका लिंक का नाम होम दे देते हैं, ऐड टू मेनू कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए होम आ जाएगा, ठीक है, कॉन्टेक्टस रहने देते हैं, लास्ट में कॉन्टेक्टस चाहिए। उसी तरह से जितने भी कैटेगरीज आपके हैं, जैसे अनकैटेगरीज वाला है, ये मैं मेनू में रखना चाहता हूँ तो मेनू में ऐड कर दूंगा। उसी तरह से इसे अप डाउन भी कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। और पेजेस में जो आप रखना चाहते हो, जैसे टूल्स रखना चाहता हूँ, बेस्ट डील्स रखना चाहता हूँ, ये ऐड कर सकता हूँ। तो देखिए ये सारी चीज़ें आ गई और कॉन्टेक्टस को नीचे कर देता हूँ। सेव, यहाँ पर देखिए ये अब प्राइमरी मेनू है, इसे सिलेक्ट करिए और सेव मेनू पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, एक बार हम इसे पर्ज कर लेते हैं, पूरा कैश क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे इसे रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे होम, अनकैटेगरी, जो भी आना है वो सब आ गया है। अब देखो इस तरह से आप डिज़ाइन तो कर सकते हो, देखो ये एडसेंस फ्रेंडली डिज़ाइन बन चुका है। अब इसमें प्रोडक्ट हाईलाइट को हमें हटाना है, तो उसके लिए यहाँ पे विजेट में जाइए और विजेट में जाने के बाद तो राइट साइड में आप जो भी हटाना चाहते हो, जैसे ये प्रोडक्ट हाइट लाइट है तो इसे हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, इसे हम रिमूव कर देते हैं और जो भी आप ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से आप कुछ डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है, और आई होप ये डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और भी आप प्रोफेशनल डिज़ाइन चाहते हो जैसे कि bloggingskill.com, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, एक डिटेल वीडियो इस पर भी आएगा। और ये देखो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें और ऐसा आप डिज़ाइन करके एडसेंस अप्रूवल भी इजीली ले सकते हो। देखो एडसेंस अप्रूवल केवल डिज़ाइन पर ही नहीं निर्भर करता है, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है।
अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।